मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है, मारपीट कर रहा है, मेरे साथ में धमकी दे रहा, मरवा दूंगा तुझे नहीं तो फैसला कर ले। मैं बताऊ मैं क्या करूँ, मर जाऊ मैं, मेरे बच्चों से जुड़ा कर रखा है। आप बताओ मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मैं बताओ क्या करूं, मेरी माँ को भी मारा इसने, मुझे भी मारा अमित कुमार पाल सिपाही ने, बताओ मैं क्या करूं। यूपी पुलिस अक्सर अपने कारनामों को लेकर चर्चा में बनी रहती है, कभी अपने अमानवीय व्यवहार तो कभी गंभीर आरोपों को लेकर। आए दिन पुलिस महकमा शर्मशार होता रहता है। एक बार फिर खाकी पर दाग लगे हैं। मामला गाजियाबाद जिले से सामने आया है, जहां एक पीड़ित पति अपनी पत्नी को वापस दिलवाने पुलिस से गुहार लगा रहा है। पीड़ित ने पुलिस महकमे के एक सिपाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि सिपाही अमित पाल उसकी बीबी को भगा कर ले गया है। पीड़ित पति का कहना है कि देर रात नशे में धुत सिपाही घर में घुसा और उसके साथ मारपीट की और फिर उसकी पत्नी को अपने साथ ले गया। पति का कहना है कि सिपाही के उसकी बीवी के साथ नाजायज संबंध थे, जिसके चलते उसने दोनों को कमरे में रंगे हाथों पकड़ा भी था। पीड़ित का कहना है कि सिपाही वर्दी का रौब दिखाते हुए उसे जान से मारने की धमकी देता है। वहीं अब पीड़ित पति पुलिस कर्मियों से रो रो कर अपनी पत्नी वापस दिलवाने की गुहार लगा रहा है। और ऐसा हुआ, हमने रात को 11 बजे के आसपास इसको मैंने अपनी वाइफ को गेट खुलवाया, उसने गेट बड़ी मुश्किल से खोला, तो सर हमने इसको वहाँ देखा बैठा हुआ उसके घर पर। किसको? अमित पाल नामक सिपाही को। सर ये इसने ड्रिंक कर रखी थी और ये सर मेरे साथ उसने मेरे साथ मारपीट करी और मेरी माँ को भी मारा। उसमें मेरी भाई भी था, बहन भी थी, वो भाई था मेरा और उसकी बहू थी। उसने और कहने का मतलब है तुम्हारी बीवी के साथ, घरवाली के साथ उसके नाजायज संबंध है सर। रंगे हाथों पकड़ा था? हाँ सर, एक कमरे में दोनों को पकड़ा था और एक वीडियो भी बनाई थी सर हमने। पुलिस मौके पर आई थी? पुलिस मौके पर आई थी, 112 नंबर पे करा था सर कॉल। सर उसको कहने का मतलब है उसको छोड़ दिया गया, कोई इंसाफ नहीं मिला मुझे। अब क्या हो रहा है सर? कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मैं SSP सर पे जा रहा हूँ तो कह देते थाने चले जाओ, थाने सुनवाई होगी। पुलिस ने अब वो दबाव क्या डाल रहा है? वो दबाव डाल रहा है सर ये, मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे किसी भी धारा में बंद कर दूँगा सर। वो पहले 151 की धारा में मुझे बंद कर चुका है। और सर वो आता है मेरी औरत के कहने पर, फ़ोन करने पर, मैं तो पुलिस वाला हूँ, मेरा क्या कर लेगा तू। और सर ये बिल्ले उतारता है, बिल्ले भी उतार लेता है सर, और धमकी देता है मुझे जान से मार दूंगा, तेरे परिवार को किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की मेरे को धमकी आ रही है सर। अब कहाँ तैनात है ये सर? ये तैनात है विजयनगर थाने में सर। ये रात को 11 बजे दारू पी रखी थी, ड्रिंक कर रखी थी और ये मेरे घर पर मारपीट मेरी माँ के साथ भी करी और मेरे से वो छीन लिया गया, इसने फ़ोन भी छीन लिया जो वीडियो बना रहा था उसको भी, उसके साथ भी इनने वो छीना झपटी करी है सर। पीड़ित पति की माने तो उसने मामले की शिकायत थाने में भी की, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। वहीं पीड़िता के पास चौकी से आए फोन का ऑडियो भी वायरल हुआ है। थाने चौकी में कोई चक्कर चल रहा? हाँ हो गया, 2-3 दिन हो गए, बताओ। फोन आया चौकी से? अच्छा, किसका? चौकी इंचार्ज। कौन से, क्या नाम है उनका? अरे नाम वाम तो बता देंगे, तू जब मैं फोन करूंगा ना तो तू यहाँ आ जाइयो, क्या कहते चुंगी पे। चुंगी पे अभी तू कहाँ काम कर रहा? मैं कहीं भी ना कर रहा काम, मेरा लफड़ा फैल गया थोड़ा सा। अरे लफड़ा फैल गया तो तू जो है आ जाइयो जब मैं फोन करूंगा। भैया मैं अभी किसी से नहीं मिल सकता, 2-3 तक तभी तो कार्रवाई नहीं होगी, सुनवाई नहीं होगी मेरी, मैं किसी से नहीं मिल सकता। अरे तुझे क्या जेल भेजवा रहे हैं? अरे कुछ भी हो भैया, मैं किसी की नहीं सुन सकता भाई, मेरे पास फोन ओवर आने मैं भाई इसके लिए हाथ जोड़ कर एक बोल। हेलो हेलो भैया, क्या क्या मैटर है तुम्हारा? मैटर वैटर कुछ नहीं है, जो हो गया सर वो तो हो गया। आप कौन बोल रहे हो? अरे मैं महावीर शर्मा बोल रहा हूँ, अभी फोन आया था उनका, दीवान जी का। अच्छा तो मिलने में क्या दिक्कत है, मिल लो। नहीं सर मैं अभी नहीं मिल सकता किसी से, जब तक मेरी सुनवाई नहीं होगी, जब तक मेरी सुनवाई, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये सही नहीं होगा, मुझे इंसाफ चाहिए। बात क्या हो गई, बात क्या हुई ये तो बताओ। बात ये 3 साल से चल रही है। अच्छा हाँ, मेरी वाइफ का मेरा मैटर है, 3 साल से चल रही है। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे वीरान हो गए हैं, बड्डा जरा भटक रहे हैं मेरे बच्चे, मुझे इंसाफ चाहिए। तो वाइफ तुम्हारी क्या कर रही है, तुम्हारे साथ नहीं है? मेरे साथ नहीं रहती 3 साल से सर, मेरा कोई संबंध नहीं है। और उससे संबंध बनाती फिरती है वो। अच्छा हाँ चलो, फोन आया था उनका मेरे पास, बोले भाई ऐसे से बुला लो उनको।
बात करने में कोई दिक्कत थोड़ी है? नहीं नहीं सर, मैं अभी किसी से बात नहीं कर सकता, उसके लिए सॉरी। ठीक है सर। वहीं जब पुलिस ने दीपक को जांच के लिए चौकी बुलाया तो दीपक ने चौकी जाने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि पहले इंसाफ चाहिए, तभी पुलिस चौकी में जाएगा। हालांकि अभी तक मामले में पुलिस अधिकारियों ने सिर्फ जांच की बात कह रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब खाकी पर दाग लगे हों। इससे पहले भी अलग अलग जिलों से कई बार खाकी शर्मसार हुई है। कई बार खाकी अपनी मर्यादा भूली है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही सूबे के पुलिस कर्मियों को कितना ही नसीहत का पाठ पढ़ा ले, लेकिन इसके बावजूद पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट।